Good morning everyone and most welcome to another lecture of differentiation. बच्चों differentiation में हम लोगों ने chain rule के बारे में पढ़ाई start करी थी। जहां तक पिछले lecture का बात है, chain rule में हमने कुछ questions देखे थे जो कि fast method पे थे, बहुत तेजी से हमने देखा था। और हमने कुछ homework दिया था आपको करने के लिए, most probably आपने उस homework को किया होगा। बाकी जो बातें हैं वो हम आज के class में देखेंगे। आज के class में भी चेन रूल का ही कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन आज के क्लास में जो कॉन्सेप्ट होगा बच्चों वो थोड़े अच्छे क्वेश्चंस होंगे। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे, थोड़ा टिपिकल ज़्यादा होगा, हो सकता है कि टाइम टेकिंग हो, लेकिन हाँ आज भी चेन रूल के ही क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। और तब जाके कल के क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन। समझ रहे हो बात को? तो बिना देर किए लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात प्रेजेंट सर कहना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज का सेशन पहले क्वेश्चन के साथ। देखो बच्चों, हर क्वेश्चन को आप एक बार खुद से ट्राई करो, बिकॉज आपको पता है कि टेक्निक क्या है डिफरेंशिएशन की। ऐसा नहीं है ना कि आपको टेक्निक नहीं पता है, आपको तो टेक्निक पता है, तो आपको बस उस टेक्निक को लगा के खुद से एक बार कोशिश करना है। अगर आपसे नहीं होता है देन आप सॉल्यूशन को देखिए, और तब जाके फिर उस चीज को जब सीख जाते हैं तो एक बार और रिवाइज कर लीजिए। यही तरीका होना चाहिए, है ना। तो आ जाओ बच्चों, पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है लॉग एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखो बच्चों, हो सकता है कि आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकता है, जरूरी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन को मैं थोड़ा धीरे धीरे स्लो स्लो एक्सप्लेन करने वाला हूं, क्योंकि थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस ज्यादा हैं, तो हो सकता है कि आज का क्लास लंबा जाए, तो घबराना नहीं है, है ना। आ जाइए भाई साहब, अपने को इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करना है। क्या करेंगे भाई? मेरे पास लिखा हुआ है वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। किसके रिस्पेक्ट में करना है? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो आप क्या लिखोगे यहां पे बताओ? डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में। तब आपको पता है कि नेक्स्ट स्टेप में हम वाई को ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी लिख देंगे लॉग एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी बेस ई। अब इसकी डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करनी है बच्चों? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो आपको लगता है कि लॉग इतने बड़े चीज का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है? लॉग जो अंदर है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, तब जाके एक बटा वाला फॉर्मूला सेट करेगा। तो यहां अंदर इतनी बड़ी क्वांटिटी है, हम इसको उठा के यहां लिखते हैं, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? चेन रूल के मुताबिक डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग, जो लिखा है उसको रहने दो, एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी बेस ई। अब लॉग की डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में करनी पड़ेगी, तो हो जाएगा एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक बात बताइए, आपने इसको डिनोमिनेटर में लगाया तो भाई इसको कंपनसेट करने के लिए आप इसको ऊपर भी तो लगाओगे, एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो भाई साहब ये हो गया, लेकिन थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ो, क्या लगता है आपको? इसका तो डिफरेंशिएशन ठीक है, लॉग फलनवा का डिफरेंशिएशन फलनवा के रिस्पेक्ट में एक बटा एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसके डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो यहां डिफरेंशिएशन करने आए, तो देखो बीच में एक्स प्लस है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में अलग से करेंगे और इसकी डिफरेंशिएशन अलग करेंगे, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में अलग से डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिए एक से देख लो जा, तुम्हें दिख रहा है कि नहीं? हाँ सही है, ठीक है, बोलो सही है। तो इसको तो जैसा है वैसा उतार दीजिए, एक्स उतरेगा प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो जैसा था
आपने इसको वैसा ही उतार दिया। लेकिन अगर हम बात करें इधर इधर अंदर की, तो x की डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में तो 1 हो जाएगी सर जी, कोई तकलीफ नहीं है। फिर प्लस का साइन देंगे। अब मेरे को बताओ, यहां पे फिर से चेन रूल लगेगा, क्योंकि रूट के अंदर कुछ और है और हम इस चीज को डिफरेंशिएट किसी और चीज के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहां जब चेन रूल लगाएंगे तो हमको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, और फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, ये टोटल चीज आएगी। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे बताओ? इधर तो सही है सर, एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां आ जाते हैं सर, ये 1 ऐसा ही रहेगा। आपको पता है कि इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 नीचे कूदा, और नीचे ही रूट हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये कैसा हुआ समझ में आया? असल में जब 1/2 नीचे जंप करेगा तो इसमें 1 पावर घटेगा, तो -1/2 आएगा जो कि नीचे जाके रूट में बदल जाएगा। और फिर आपको आपने इसको इंटू किया, ए स्क्वायर का 0 एक्स स्क्वायर का 2x, ये 2 यहां से कट गया। जैसे ही तुमने एलसीएम लिया, देखो ध्यान से, ये तो ऐसा ही रहेगा, बाहर जो है वो ऐसा ही रहेगा, लेकिन जैसे ही आपने इसमें एलसीएम लिया आपको मिला एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में मिल गया रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आपको पता है ये दोनों वैल्यू कट जाएंगे, तो अल्टीमेट आंसर क्या आ जाएगा? अल्टीमेट आंसर आ जाएगा 1/√a² + x² हो गया आंसर। तो देखो क्वेश्चन कितना सीधा दिख रहा था, लेकिन देखो कितना मेहनत करके बनाना पड़ा। तो वही मैं आपको पहले क्लास से समझा रहा हूं कि चेन रूल पे अगर आपका कमांड बैठ जाता है तो आप किसी भी चीज के क्वेश्चन को बना सकते हो, और इसी पे कमांड लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। जरा ये आज का पहला क्वेश्चन था, इसको उतार लीजिए बच्चों। आज एकदम आराम आराम से करेंगे हम लोग। कल हम लोग थोड़ा सा फास्ट किए थे, जानबूझ के मैंने कल फास्ट कराया था क्योंकि क्वेश्चंस छोटे थे। आज थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग लेके आए हैं। आ जाओ, जो दूसरा क्वेश्चन है उसको देखा जाए बच्चों। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है वाई इज इक्वल टू अगेन लॉग है, और उसके बाद है रूट अंडर 1 + sin x डिवाइडेड बाई 1 - sin x^c। अब देखो, आप चाहो तो इस क्वेश्चन को लंबा चौड़ा लेके बना सकते हो, आप ना चाहो तो इसको आसान करके भी बना सकते हो, बहुत आसान लॉग का फॉर्मूला यूज करके भी बना सकते हो। देखो कैसे, कितने आसानी से बनेगा। जैसे मान लीजिए सर, हम y को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? लॉग 1 + sin x डिवाइडेड बाई 1 - sin x, और इसके ऊपर पावर हमने क्या लगा दिया? 1/2 to the base e। आपको पता है कि ये 1/2 जंप कर जाएगा, तो हमारे y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2, फिर क्या लग जाएगा? लॉग। याद करिए, ये सब लॉग का फॉर्मूला है, sin x 1 - sin x^c। थोड़ा आसान करने के लिए, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन को इजी करने के लिए, अब आप इस y को क्या लिख सकते हैं? 1/2, ब्रैकेट स्टार्ट करिए, लॉग m/n वाले फॉर्मूले से लिखा जा सकता है लॉग 1 + sin x, उसके बाद माइनस लॉग 1 - sin x, और सब में बेस क्या लगा है? e लगा हुआ है। ठीक है, ऐसा लिख दिए। तो अल्टीमेट जो आपका कॉम्प्लिकेशन ऐसा था, ये थोड़ा सा एक्सपैंड होके आसान होके आ गया, 1/2 लॉग 1 + sin x, मैं e नहीं लिख रहा हूं, आप समझ जाना e लगा हुआ है, माइनस लॉग 1 - sin x, और यहां पे भी 1/2 हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करने का मतलब है, 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करना, उसके बाद फिर यहां 1/2 बाहर, इसको डिफरेंशिएट करना अलग अलग, बिकॉज ये माइनस में है, तो जब माइनस में होता है तो हम लोग अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से,
यहां 1 अपॉन 2 आराम से लगा हुआ रहेगा। सर जी log 1 प्लस साइन x है, तो आप जानते हो कि log x होता तब हम x के रिस्पेक्ट में कर पाते, लेकिन यहां log 1 प्लस साइन x है तो हम उसको x के रिस्पेक्ट में थोड़ी कर पाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे बताओ, डिफरेंशिएशन ऑफ log 1 प्लस साइन x किसके रिस्पेक्ट में करिएगा, 1 प्लस साइन x के रिस्पेक्ट में। उसके बाद मल्टीप्लाई करिएगा किसको, 1 प्लस साइन x को x के रिस्पेक्ट में, कोई दिक्कत नहीं, ये इधर वाला पोर्शन हो गया। फिर वही चीज माइनस 1 बाई 2 और सेम चीज यहां पे, बस अंतर 1 माइनस साइन x log लगा हुआ है का डिफरेंशिएशन 1 माइनस साइन x के रिस्पेक्ट में, और फिर 1 माइनस साइन x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, यही ना चीज है। अच्छा बताओ बताओ कैसे हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा। सर 1 बाई 2 ठीक है, यह वाला log फलनवा का 1 बटा फलनवा। सर 1 का 0 और sin x का हो जाएगा यहाँ पे cos x, सिंपल है। अब 1 बाई 2 दोनों से कॉमन निकालेंगे, माइनस निकाल लो क्या हो जाएगा बताओ, 1 अपॉन 1 माइनस sin x और यहाँ हो जाएगा माइनस से प्लस cos x, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर दो, तुम्हारा आंसर तुम्हारे सामने है, हो गया क्वेश्चन, बन गया आपका क्वेश्चन फटाक से, ठीक। तो ये था आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन, इसलिए मैंने बोला था कि आज थोड़े टिपिकल क्वेश्चन। अब तुम सोचो अगर तुम इसको बनाते तो log का इस पूरे के रिस्पेक्ट में करते, फिर इस पूरे का 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स के रूप में करते, फिर 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स को डिवीजन रूल से करते, बहुत लंबा जाता। लेकिन ऐसे log में तोड़ देने से ये चीजें आसान हो गई, तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए इसको उतार लीजिए फटाक से। तो आज का जो तीसरा क्वेश्चन है, अब हम लोग उस पे आते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, y इज इक्वल टू e पर पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी। ये क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन मैंने कल होमवर्क दिया था, है ना, जिन्होंने बना लिया होगा काफी अच्छा है, जिन्होंने नहीं बनाया ध्यान से देखिए इसको कैसे बनेगा। क्या करेंगे बच्चों बताओ, क्या करेंगे इस क्वेश्चन को, सिंपल सा, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी हम डिफरेंशिएट करेंगे e पर पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी का किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। आपको ये बात सिंपल तरीके से पता है कि जब ये दोनों डॉट में हैं तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल के लिए आपने e पे पावर ए एक्स को बाहर निकाला और फिर आपने कॉस बी एक्स प्लस सी को डिफरेंशिएट करने की सोची, ठीक है। फिर उसके बाद आपने कॉस बी एक्स प्लस सी को बाहर निकाला और अगेन ई पे पावर ए एक्स को डिफरेंशिएट करने के लिए सोच लिए, ठीक है, सिंपल सी बात है। चलो अब मेरे को एक बात बताओ, ई पे पावर ए एक्स का ई पे पावर ए एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, और कॉस बी एक्स की डिफरेंशिएशन कैसे करिएगा, तो अगेन आप यहां पे ब्रैकेट लगाइएगा, कैसे करिएगा बताइए, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस बी एक्स प्लस सी, तो एक्स के रिस्पेक्ट में तो होगा नहीं, क्या लगा देंगे बताओ, बी एक्स प्लस सी लगा देंगे, फिर क्या लगा देंगे बताओ, बी एक्स प्लस सी का किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ये सिंपल सा स्टेटमेंट हो गया। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, प्लस कॉस बी एक्स प्लस सी लगाए हुए हैं, ई पे पावर ए एक्स का कैसे करेंगे, ई पे पावर ए एक्स का तो सर फॉर्मूला ही आपने बताया है, है ना, याद करो मैंने बताया ई पे पावर के एक्स वाला काम की बात में, चलो उसको देख लिया जाएगा। यहाँ ई पे पावर ए एक्स हो गया, कॉस समथिंग का समथिंग के रिस्पेक्ट में क्या होता है, माइनस साइन बी एक्स प्लस सी, है ना, और बी एक्स प्लस सी का हो जाएगा बी, फिर प्लस कॉस बी एक्स प्लस सी रहने दो, ई पे पावर ए एक्स का क्या हो जाएगा, ई पर पावर ए एक्स इंटू ए हो जाएगा, यही हो गया आपका आंसर। अब इसको अपना कॉमन लेके सिंप्लीफाई कर लो, तुमको तुम्हारी आंसर मिल गई, है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन था थर्ड नंबर क्वेश्चन, इसको उतार लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग बात करते हैं अपने चौथे क्वेश्चन को, जो चौथा क्वेश्चन है बाबू बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, वाई इज इक्वल टू ई पर पावर एक्स
इंटू लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन है भाई साहब आपका, आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक, एक बार खुद से ट्राई करो, फिर देखते हैं तुमसे सॉल्व हो पाता है कि नहीं हो पाता है ना, एक बार खुद से ट्राई करिए। चलिए सर, जिन लोगों ने कर लिया काफी अच्छा है, जिन्होंने नहीं किया यहां ध्यान दो, हमें y को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, यानी हमें डिफ्रेंशिएट करना है e पर पावर x इंटू लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर को किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। कोई दिक्कत नहीं, अब आप जानते हो कि यहां दो चीजों का प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट रूल पहले लगेगा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले e पर पावर x को बाहर निकालेंगे और डिफ्रेंशिएट करना चाहेंगे log 1 प्लस एक्स स्क्वायर को किसके रिस्पेक्ट में भाई साहब, अभी तो x के, फिर प्लस का साइन देंगे और उसके बाद हम लोग बाहर निकालेंगे log 1 प्लस एक्स स्क्वायर को और डिफ्रेंशिएट करना चाहेंगे e पर पावर x को x के रिस्पेक्ट में। सही है, दिख रहा है स्टेप्स। चलो अब हमको बता दो भाई सिंपल तरीके से, ये तो e पे पावर x होगा, लेकिन आपको क्या लगता है कि log 1 प्लस एक्स स्क्वायर x के रिस्पेक्ट में होगा ना, यहां चेन रूल लगेगा, तो क्या लगाएंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ log 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में, बताओ 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। अब अगेन ऊपर भी लगाना पड़ेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में, इसका काम अब होगा, फिर प्लस का साइन, भाई साहब इसको लिखा जा सकता है log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको एक बात पता है कि e पे पावर x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है, e पर पावर x, आपने डिफरेंशिएट कर दिया। चलिए यहां e पर पावर x लगा हुआ है, बताइए log फलनवा का फलनवा के रिस्पेक्ट में एक बटा फलनवा इंटू वन का जीरो और एक्स स्क्वायर का टू एक्स अपॉन वन कर लीजिए, फिर प्लस का साइन e पे पावर x लगा लिए, क्या हो जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको थोड़ा और इजी में लिखते हैं, तो आपको आंसर मिलेगा e पे पावर x आपकी कॉमन आ जाएगी और आपको आंसर मिलेगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस यहां से बच जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो बातों को, तो ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन था आपका, बड़े अच्छे तरीके से इसको उतार लीजिए, आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। चेन रूल की बात हम लोग कर रहे हैं ना, आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो सिर्फ डिफरेंशिएट करने को देता है तो काफी आसान हो जाता है क्वेश्चन, लेकिन जब वो बोलता है कि नहीं डिफरेंशिएट करके इसके बराबर प्रूफ करके दिखाओ, तो क्वेश्चन मुश्किल होता है। जैसे दिखा रहा हूं मैं तुमको क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखो, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, कहता है कि भाई साहब अगर इफ वाई बराबर लिखा हुआ है एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे पावर एन, ठीक है ये लिखा हुआ है, तो आपको प्रूफ करना है, देन prove that dy by dx is equal to ny upon root under a square plus x square। अब आपको ये प्रूव करना है, समझ रहे हो, तो देखो पहले क्या होता था कि जैसे y बराबर दे दिया, आपने उसको नॉर्मल डिफरेंशिएट किया और आपका आंसर आ गया, उस आंसर को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किए और सजा के लिख दिए, लेकिन अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई नहीं करना है, अब आपको उसको इस तरीके से सिंप्लीफाई करना है कि वो वैल्यू इसके बराबर आ जाए। तो एक तो डिफरेंशिएशन का टास्क है, दूसरा यहां पे आपका सिंप्लीफिकेशन का भी टास्क है, सिंप्लीफिकेशन भी आपसे चेक किया जाता है। तो देखो कैसे बनाते हैं इन क्वेश्चंस को, मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन मिला और आपका सॉल्यूशन स्टार्ट होता है, आप क्या लिखोगे भाई साहब, लिखोगे y इज इक्वल टू एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे पावर n है ना। अब आप चले इसको डिफरेंशिएट करने, dy by dx इसको मान लो, इक्वेशन वन मान लो, ठीक है काम आएगा dy by dx, तो आपको डिफरेंशिएट करना है x प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर
कि ऊपर जो पावर है उस n को किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। आप भली भांति जानते हैं कि इतना पे पावर n x के रिस्पेक्ट में तो होने वाला नहीं है, तो आप इसको बड़े अच्छे से चेन रूल का प्रयोग करेंगे और लिखेंगे x प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर n का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, x प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। और अगेन आप यहां पे लगा दीजिएगा कि अब हम x प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे। सही है, याद करो अभी पिछले क्वेश्चन में इसका डिफरेंशिएशन आप किए थे उस तरफ जो आया था जो कट गया था, है ना। ये क्वेश्चन पीछे आपके आज ही के क्लास में आया है, लेकिन ठीक है चलो, आपको याद हो तो बढ़िया, नहीं याद हो तो कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब आप इसका डिफरेंशिएशन करिएगा तो ये n नीचे जंप करेगा और उसके बाद इस पे एक पावर कम हो जाएगा, यानी हो जाएगा x प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर n माइनस वन। एकदम क्लियर क्लियर, तो इसकी डिफरेंशिएशन आ गई आपके पास। अब आप आइए इसके डिफरेंशिएशन में, जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आप x का डिफरेंशिएशन अलग करोगे क्योंकि यहाँ बीच में प्लस है, और फिर इस वाले की डिफरेंशिएशन आप अलग करोगे, डिफरेंट तरीके से करोगे। ठीक है, एकदम ध्यान से देखो, तो ये कहानी आपकी चल रही है। अभी तक क्या मिल चुका है आपको, अभी तक डिफरेंशिएशन में मिला है n इंटू एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर n माइनस वन। अब आ जाओ जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, x का x के रिस्पेक्ट में वन मिलेगा। अच्छा, जब यहां डिफरेंशिएट करने आए, अगेन चेन रूल, जब अगेन चेन रूल लगाओगे तो तुमको याद होना चाहिए आंसर आता है इसका, एकदम ध्यान से याद रखना, x अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। नहीं विश्वास है, पीछे के दो तीन क्वेश्चन में बताता हूं कितने नंबर क्वेश्चन को जाके देखो। पहला नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जाके देखो, तुमको इस चीज की डिफरेंशिएशन मिल जाएगी, इस चीज की डिफरेंशिएशन वहां मिल जाएगी। ठीक है, वहां देख लेना। अब क्या हो जाएगा बताओ, एन एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर एन माइनस वन है। यहां एलसीएम जब लेंगे तो हो जाएगा एक्स इन प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। भाई साहब, यहां पावर एन माइनस वन, यहां पावर एन, दोनों जब मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर एन, और डिवाइडेड बाई क्या हो गया, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आपको पता है कि इतने दूर का वैल्यू वाई है, बस रिप्लेस कर दो तो हो गया एन वाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया आंसर। तो इन क्वेश्चंस में और जो आपने प्रीवियस क्वेश्चंस किया, दो ही प्रकार के अंतर है बच्चों। पहले जो आप क्वेश्चंस करते थे उसमें क्या होता था कि आप डिफरेंशिएट किए और आंसर आपको मिल गया, सिंपल सी बात है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ डिफरेंशिएट करोगे तो जरूरी नहीं है कि तुमको इस रूप में आंसर मिले, तो डिफरेंशिएट करने के बाद आपको इस रूप में भी लाना है, यानी उसको ट्रांसफॉर्म करना है। तो यहाँ ये लेवल के क्वेश्चंस जो होते हैं थोड़े टफ हो जाते हैं डिफरेंशिएशन में, बिकॉज आपका डिफरेंशिएशन के साथ साथ सिंप्लीफिकेशन भी चेक करता है। ठीक है, तो चलो इसको बना लो, ये क्वेश्चन उतार लो, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जिसको भी जहां दिक्कत आए भाई पूछो, नहीं पूछोगे तो क्लियर नहीं होगा, ये बात समझ जाना बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। चलिए अगले पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, हमारा सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, इफ y is equal to साइन इनवर्स x। अब देखो बच्चों इनवर्स आ गया है ना, तो हमें यहां इनवर्स का फॉर्मूला सीखना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक, फिर प्लस में log रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको ये y दे रखा है। ठीक है, तो अब आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट dy by dx is equal to साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर 3 बाई टू, ये प्रूफ करना। ठीक है, अब देखो बच्चों यहां क्या है, यहां साइन इनवर्स एक्स है तो आपको कहीं ना कहीं इसका यूज करना पड़ेगा। तो देखो हम आज अभी इसके इसको बताने से पहले जरा आईटीएफ का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बता दे, है ना। पहला फॉर्मूला,
अगर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है तो इसकी जो डिफरेंशिएशन होती है, जो dy बाई dx, देखो ये फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से निकाला जाता है, ठीक, हम बता देंगे कैसे, लेकिन अभी के लिए समझो y इज इक्वल टू अगर साइन इनवर्स x है तो इसका डिफरेंशिएशन होता है रूट अंडर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर हमारे पास y इज इक्वल टू मिल गया कॉस इनवर्स x तो इसकी जो डिफरेंशिएशन होती है dy बाई dx सिंपल होता है -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर तीसरे नंबर पे आ जाओ y तुमको मिल जाए tan इनवर्स x तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सिंपल है, एकदम सिंपल। अगर फोर्थ नंबर पे आ जाए y इज इक्वल टू मिल गया cot इनवर्स x तो आपका इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे आ जाओ बच्चों, फिफ्थ नंबर अपना फॉर्मूला जो है, अगर मान लो y इज इक्वल टू मिल गया sec इनवर्स x है ना, तो dy बाई dx अगर इसका निकालोगे तो आएगा 1/mod x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक। और अगर सिक्स्थ नंबर और लास्ट y इज इक्वल टू है cosec इनवर्स x तो इस कंडीशन में अपना dy बाई dx आता है -1/mod x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो ये टोटल आपके कितने फॉर्मूले हो गए बच्चों, 6 फॉर्मूले हो गए जो कि इनवर्स पे बेस्ड होते हैं। इन सब का आपको प्रूफ मिलता है जब आप फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ते हैं, याद करो 11th क्लास में फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़े थे, 12th में भी आपको मिलेगा कहीं ना कहीं आरडी शर्मा में, बट उसका कोई जरूरत नहीं है। सिंपल याद रखो कि इसका यही फॉर्मूला होता है, कहीं प्रूफ रूफ पूछेगा नहीं, एक क्लास बना दिया जाएगा प्रूफ पे, कौन सा बड़ा बात है, पहले ये देख लो, क्लियर है। तो अब इस क्वेश्चन को बनाना आसान हो गया, तो पहले इसको उतारो फिर हम आगे बढ़ते हैं, डू इट फास्ट, जल्दी करो बच्चों। आइए ये फॉर्मूला है, याद करिएगा इसको। नेक्स्ट आते हैं हम लोग बच्चे छठे नंबर पे, ये क्वेश्चन जरा देखते हैं इसका क्या कहानी है। सॉल्यूशन पे आ जाओ बच्चों, सॉल्यूशन पे, ठीक, आ जाओ देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन क्या था बताओ। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसके साथ साथ प्लस में log रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है y, और आपको इसको डिफरेंशिएट कर देना है, एकदम सिंपल। क्या करोगे, dy बाई dx। अब आपको पता है ना कि डिफरेंशिएशन करना है साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये अलग डिफरेंस, देखो ये तो अलग डिफरेंशिएट हो ना, बीच में प्लस है, और फिर लॉग रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अलग डिफरेंशिएट, दोनों का अपना अपना अलग अलग डिफरेंशिएशन होगा। इसका जब डिफरेंशिएशन करने आओगे तो पहले डिवीजन रूल लगेगा। डिवीजन रूल क्या कहता है सर जी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को पहले बाहर निकाल लो, उसके बाद साइन इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट कर दो, फिर माइनस का साइन, साइन इनवर्स एक्स को बाहर निकाल लो, और फिर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर दो, और इस चीज को किससे डिवाइड कर देंगे, नीचे वाले के स्क्वायर से, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब उधर आते हैं, प्लस का साइन लगाएंगे, लॉग के अंदर कुछ और है, नीचे कुछ और है, डिफरेंशिएट तो होगा नहीं, तो करेंगे कैसे, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, फिर इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, उसके बाद 1 माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में, इतना लंबा डिफरेंशिएशन जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ एकदम ध्यान से देखते हैं, अगर हम इस स्टेप की बात करें तो ये देखो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/√√1 − x2, तो भाई ये दोनों तो कट गए, माइनस साइन इनवर्स एक्स, इसी चीज का डिफरेंशिएशन देखो यहां पे हमने किया है ना लॉग के बाद, इसकी डिफरेंशिएशन, तो जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आएगा 1/√√1 − x2 इंटू −2x, इस चीज का डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब यहां पे नीचे में क्या लगा हुआ है पता नहीं तुमको दिख रहा भी है कि नहीं, 1 − x2 लगा हुआ है, प्लस बताओ लॉग समथिंग का डिफरेंशिएशन करोगे 1 अपॉन
रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसकी पूरी की डिफ्रेंसिएशन मैंने यहाँ पे लिख दी है जो क्या है माइनस टू एक्स बाई टू रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर लो, आगे आंसर आपका देखो कैसे, ये टू टू कटा, ये माइनस इसको प्लस में करेगा, ये टू और ये टू कटा माइनस में आएगा, दोनों को सॉल्व करोगे ये साइन एक्स वाला पोर्शन कट जाएगा और आपका सेम चीज कहानी आ जाएगा। तो इसके बाद आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए फटाक से इसको उतार लीजिए सिक्स नंबर, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं सेवेंथ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, है ना, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। सेवेंथ नंबर ही रहने देते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, काफी है इतना, क्योंकि इस क्वेश्चन को आपको रिविजन भी करने होंगे, है ना, और होमवर्क सिंस जो कल मिला था मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों ने इसको पूरा बनाया, क्योंकि 40 क्वेश्चन तो एक्सरसाइज में ही थे और कुछ क्वेश्चंस मैंने लिख के आपको भेजा था, तो प्लीज़ कर लीजिए उसको, है ना। आ जाओ बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं सेवेंथ नंबर, थोड़ा इसको पूरा तरह से बनाते हैं। वाई इज इक्वल टू रूट अंडर वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स है। अब आपको प्रूव करना है, समझिए मेरी बात को, प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है कि 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स में अगर y को जोड़ा जाए तो जीरो मिल जाएगा। ठीक है, एकदम एकदम यही चीज आपको प्रूफ कर देना है, कोशिश करते हैं क्या जाना है ना। आ जाओ बच्चों, क्या करो कि इस चीज को अगर इस टाइप से प्रूफ करना है ना, तो एक सिंपल सा काम कर सकते हैं। सबसे पहला काम है कि अगर मान लो एक काम करो, है ना, डी वाई बाई डी एक्स निकालो, चलो डी वाई बाई डी एक्स, तो लिखोगे डिफरेंशिएशन किस चीज़ का, रूट अंडर वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स का, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के। आपको पता है कि रूट के अंदर जो है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो सकता है, तो आप उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, फिर वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में, इसकी डिफरेंशिएशन आ जाएगी 1 अपॉन टू रूट अंडर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। सिंपल सी बात है, यहां डिवीजन रूल लगेगा, 1 प्लस एक्स बाहर ले लोगे, 1 माइनस एक्स का करोगे माइनस वन आएगा, फिर माइनस के साइन के साथ 1 माइनस एक्स बाहर लोगे, 1 प्लस एक्स का करोगे 1 आएगा, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डिवीजन रूल से लग जाएगा। सिंपल है, सिंपल बातें हैं, बहुत सिंपल है। अब इसको जरा सॉल्व करो, देखो सॉल्व करोगे तुमको जो चाहिए मिल जाएगा, देखो कैसे, 1 अपॉन टू रूट अंडर 1 माइनस एक्स नीचे और 1 प्लस रूट एक्स ऊपर, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसको आपने मल्टीप्लाई किया, देखो यहाँ से ये माइनस एक्स और ये प्लस एक्स कट जाएगा और ये माइनस वन मिलकर हो जाएगा माइनस टू और नीचे क्या हो जाएगा बताओ, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ये चीज हो जाएगा, यही ना आएगा तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या करेंगे भाई साहब, ये दोनों टॉपिक कटेगा, कट जाएगा। अब देखो ऊपर में देखो क्या है, ध्यान से देखो, ये दोनों कटा, देखो क्या हो गया, ऊपर ऊपर में हो गया माइनस वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स, है ना, और फिर नीचे में पहले से है वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, अब हमसे कह रहा है ये मेरा क्या आया है, ये मेरा आया है डी वाई बाई डी एक्स। अब आपको कह रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स में वन माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, जब आप ऐसा करिएगा तो क्या मिलेगा, देखिए तो कर लेते हैं जरा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, डी वाई बाई डी एक्स से, यानी माइनस 1 प्लस एक्स बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स और फिर अंदर क्या है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और फिर बोल रहा है इसमें y जोड़ो, यानी फिर इसमें अंदर जोड़ दो 1 माइनस वाई, सॉरी 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। अब देखो ये माइनस का साइन है, ये माइनस बाहर निकाल दो, जब इसको ऑपरेट करोगे तो आएगा माइनस में रूट अंडर वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स और जब इसको ऑपरेट करोगे तो वन माइनस एक्स तो पहले ही से ऐसा है, तो ये दोनों कट जाएंगे और कट के क्या आ जाएगा, जीरो, जो कि आपको चाहिए था। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, आराम से डी वाई बाई डी एक्स सॉल्व करके निकाल लेते हैं। देखो जैसे मैंने यहाँ पे आराम से डी वाई बाई डी एक्स सॉल्व करके निकाल लिया, अब इस dy by dx को इस जगह यहां पे प्लेस कर दो, तो जैसे यहां पे प्लेस करोगे LHS बराबर RHS हो जाएगा, यानी आपकी चीजें क्या हो गई, प्रूफ हो गई। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सिंपली ऐसे ही करते हैं, क्लियर है।
अब आपका काम है कि जो कल होमवर्क दिया गया था उसी चीज़ को आज बढ़िया से बना लो। अगर बना लिए हो तब तो बस रिवीजन कर लो, नहीं बनाए हो तो इसको बढ़िया से कर लो। कल के जो क्वेश्चंस होंगे वो काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चंस हम लोग लेके आएंगे, चेन रूल से ही होगा लेकिन थोड़े और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे। क्यों? क्योंकि उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जुड़ जाएगा, ITF के क्वेश्चंस जुड़ जाएंगे। अभी आपने ITF का फॉर्मूला पढ़ा ना, बस वो चीज़ उसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी कल देखते हैं। घर पे रहो, खुश रहो, पूरे फैमिली को खुश रखो, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बढ़िया से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। ठीक है, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।